हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री से जुड़ी ऑडियो सीडी वायरल हो गई है। इस ऑडियो सीडी को लेकर राजनीति भी गर्म होती दिखाई दे रही है। प्रदेश भाजपा ने इस विवादित ऑडियो सीडी की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस सीडी को फर्जी करार दिया है और किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ जारी ऑडियो सीडी ने हिमाचल की सियासत गर्मा दी है। दो दिन पहले जारी ऑडियो सीडी सामने आने के बाद आज कौल सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर इस सीडी को फर्जी बताया है और अपनी ही सरकार का इस सीडी को जारी कर उनकी छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार के मुखिया का नाम ना लेकर आरोप लगाया है कि उनके करीबी अधिकारी ने इस तरह की हरकत की है कि साथ ही साथ जब वे मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं तभी यह प्रकरण सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकरण पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कौल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले एक अफसर ने ही ये सीडी जारी की है जिसका नाम एपी सिंह है और दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर है। मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरा चरित्र हनन करने के लिए ये जो है साजिश के तहत एक घटिया बुद्धि हरकत जो है की गई है जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, जिसकी आलोचना करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जिस अफसर ने ये सीडी निकाली है या सीडी भिजवाई है उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करे। मैंने कल डायरेक्टर जनरल पुलिस है श्री संजय कुमार जी को भी इस बात से अवगत करा दिया है और उनको भी कहा है कि एक तो केस रजिस्टर करें, जिस व्यक्ति का नाम, जो सूरज नाम का व्यक्ति है उसकी वहाँ पता करें कि है कि व्यक्ति के कोई फिक्टिशियस व्यक्ति है, उसके मुताबिक जो है इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बारे में कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर सरकार के किसी मंत्री का नाम सीडी प्रकरण में है तो इसकी गहराई से जांच की जाएगी, चाहे वह सरकार में है या कोई अधिकारी है। वीरभद्र सिंह ने साफ कहा है कि इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वास्तविकता ये है कि पहले भी एक दफा ये मामला उठा था, उस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट सरकार को आई, सरकार ने उस रिपोर्ट को बिजनेस डिपार्टमेंट को भेजा, एसपी बिजनेस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया, द मैटर इज नाउ इन द कोर्ट। वेल आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ हिम, बट इट इज नॉट लाइकली बिकॉज द सीडी वाज इन्वेस्टिगेटेड एंड रिपोर्ट केम टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेंड इट टू बिजनेस एंड बिजनेस एसपी बिजनेस इंक्वायर्ड इनटू इट एंड नाउ इट द मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता भी सीडी प्रकरण को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने इस पूरे कांड की सीबीआई से जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में जब जब भी इस प्रकार की सीडियां आई हैं, सरकार की विदाई निश्चित हुई है और हमको ये लग रहा है कि जिस प्रकार से ये सीडी आई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की विदाई तय मानी जा रही है। हम मांग करते हैं कि इस सीडी को अपने कब्जे में लेकर के सीबीआई पूरी जांच करे और कौन तत्व इस सीडी के पीछे हैं, किस मकसद से ये सीडी लाई गई है और सीडी को लाने का कारण क्या है उसमें पता लगाया जाना चाहिए। चर्चा है कि वरिष्ठ मंत्री के फोन टेप करने की हिमाकत पुलिस के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ऐसे में अफवाह है कि क्या ये सब हाई लेवल सेटिंग है जिसके बाद ऐसा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये बातचीत 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले की है और तब सूबे में प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी और विपक्ष में कांग्रेस थी। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ दीपिका गुलाटी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।